आज हम बना रहे हैं स्टफ्ड करेला। ये करेला, जिनको करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और एक बार बना के जरूर देखें। इस तरीके से स्टफ्ड करेला बनाकर अगर आप खाएंगे तो यकीन मानिए आप हर रोज ही करेला खाना पसंद करेंगे। और वैसे भी करेला हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी क्रंचीनेस के साथ साथ इसके साथ जो मसाले और कच्चे आम का स्वाद आता है वो बहुत ही मजेदार होता है। मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया था और उसके बाद बीचों बीच इसमें इस तरीके का कट लगा दिया था और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए मैंने नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इसके सारे सीड्स को ठंडा होने के बाद सेपरेट कर लिया था। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें एक लहसुन की कलियां, मैंने लहसुन से छिलका नहीं उतारा है क्योंकि अच्छे से ये पिस जाता है, 3 से 4 मैंने लाल सूखी मिर्च ली हुई है, 1 प्याज लिया हुआ है और ये कच्चा मैंगो है, इसकी मैंने स्लाइस यहाँ पे इस्तेमाल की है। अगर आपके पास कच्चा मैंगो अवेलेबल है तो आप वो डालें और अगर नहीं है तो आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं, इमली का पल्प। और इसके बाद हम ये इसमें सेपरेट किए हुए सारे करेले के सीड को डाल देंगे और डालने के बाद हम इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और अच्छे से इसे ग्राइंड कर ले। ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट रेडी हो चुका है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे धनिया का पाउडर, और इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया था और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने पैन हीट कर लिया है और पैन हीट करने के बाद जैसे ही हमारा पैन हीट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। आपको जो सा भी ऑयल डालना है, आप जिस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल डाल के इस मसाले को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये एकदम ड्राई ना हो जाए। ये देखिए मैंने सारे मसाले को ऑयल हीट होने के बाद गरम, तेल आपको अच्छे से गरम कर लेना है, बहुत ही अच्छे से तेल गरम करना, नहीं तो बाद में वो सरसों तेल की खुशबू आएगी बाद में। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें जार को अच्छे से धो के डाल दिया था और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे लाल वाली सूखी मिर्च का इस्तेमाल किया था। आप चाहे तो कलर आने के लिए आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ड्राई होकर के हमारा मसाला रेडी है। थोड़ा सा और हम इसको ड्राई कर लेंगे, थोड़ा और भून लेंगे हम इसको। ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। और जैसे ही हमारा मसाला भून के रेडी हो जाए गैस हम ऑफ कर लेंगे। और स्टफिंग को मैंने ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद इस तरीके से हमें करेले के अंदर इसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमें भरते जाना है। बहुत ही इजी तरीका है, कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो थोड़ा और मसाला डाल सकते हैं। इस तरीके से इसे हम बंद कर लेंगे। बाकी के सारे करेले को भी हम इसी प्रोसेस से एक एक करके थोड़ा थोड़ा मसाले डाल के इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है, कुछ नहीं। बाकियों को भी आप इसी तरीके से कर लें। और इसके बाद हम एक कढ़ाई हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल दिया है, मस्टर्ड ऑयल को भी हम अच्छे से हीट कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल बहुत ही अच्छे से हीट हो जाए उसमें एक एक करके ये हम करेले डालते जाएंगे। कुछ लोग इसे धागे से बांध भी देते हैं पर
बांधने की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए, एक एक करके मैंने सारे करेले को इसके अंदर डाल दिया है और इतना मसाला हमारा बच भी गया है। इस बचे हुए मसाले को आपको फेंकना नहीं है, आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और 2 से 3 दिन तक के बाद भी आप स्टफ करेला इसी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पलट पलट के हमें इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, एकदम स्लो फ्लेम रखें और इस तरीके से पलटते जाएं। अब देख सकते हैं स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है, इसलिए धागे से बांधने की जरूरत नहीं है। ऑयल भी आप ज्यादा नहीं डालें, एकदम से आपको करेले को डिप करके फ्राई नहीं करना है, ऑयल इतना ही डालें। डिप करके फ्राई करेंगे वहां पे ही आपकी स्टफिंग बाहर आ जाती है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है करेले का। यहाँ पे हम गैस ऑफ कर लेंगे। अब देख सकते हैं एक भी स्टफिंग हमारी बाहर नहीं आई है। तो इसी तरीके से आप घर पे अपने करेले की कलौंजी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।